आज हम पढ़ेंगे चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853, भारत प्रसिद्ध अधिनियम 1858 के बारे में। चार्टर 1833 का चार्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को अब संपूर्ण देश का गवर्नर जनरल बना दिया गया, उसको अब संपूर्ण देश पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। जैसे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1773 के एक्ट में। उसी तरह से 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश का गवर्नर जनरल बना दिया गया और संपूर्ण देश पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक नियुक्त किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया और शासन का केंद्रीयकरण कर दिया गया। शासन का केंद्रीयकरण कर दिया गया मतलब उसका बनाया हुआ कानून अब संपूर्ण देश पे लागू होगा जहाँ तक कि उनकी भूभाग पे शासन था। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर को सभी नागरिक और सैन्य शक्ति प्राप्त था। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को सभी नागरिक व सैन्य शक्ति प्रदान किया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, सिर्फ राजनीतिक अधिकार रह गया था। इस एक्ट के द्वारा 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में चाय के साथ व्यापार का अधिकार था जो कि वह भी छीन लिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। बंबई व मद्रास के गवर्नर को विधायिका संबंधी अधिकार से वंचित किया गया क्योंकि कानून बनाने का अधिकार सिर्फ गवर्नर और उसकी परिषद को था। दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया, दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया और यह दास प्रथा का उन्मूलन 1943 में हुआ था। उस समय में गवर्नर लॉर्ड एलबर्नरो थे और दास प्रथा के साथ ही सती प्रथा का अंत 1929 में किया गया था। उस समय में राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से लेकर के 1835 तक था। लॉर्ड विलियम का कार्यकाल 1828 से 1835 तक था। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1934 में चार सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले जो थे पहला विधि विशेषज्ञ थे। लॉर्ड मैकाले पहला विधि विशेषज्ञ इनको नियुक्त किया गया था भारत का। अब हम इस संविधान में एक और था, इस चार्टर एक्ट में संविधान निर्माण का आंशिक संकेत इसी चार्टर एक्ट से मिलता है हमें। अब हम पढ़ेंगे दूसरा महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट 1853 का। इस समय में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। पहली बार 1853 के चार्टर एक्ट में खुली प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ किया गया। इस एक्ट के द्वारा पहली बार खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया जो कि पहले नामजदगी के आधार पर होता था, उसको समाप्त कर दिया गया। अब पहली बार भारतीयों को भी इसमें शामिल होने की आज्ञा प्रदान की गई। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना गया। जो चौथे विधि सदस्य थे गवर्नर जनरल की परिषद का, उसको अब पूर्ण सदस्य बना दिया गया। यहाँ पर चौथे सदस्य को शामिल किया गया था 1884 के एक्ट में। कार्यकारी परिषद की सदस्यों की संख्या 4 से 3 की गई थी। 1833 में
चौथे सदस्य विधि सदस्य के रूप में मैकाले को चुना गया। अब इस 1853 के चार्टर एक्ट में विधि सदस्य को जो नियुक्ति किए गए थे उसको पूर्ण सदस्य बना दिया गया 1853 के चार्टर एक्ट में। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या जो 24 थी उसको घटा करके 18 कर दिया गया। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या जो 24 थी उसको घटा करके 18 कर दिया गया और पृथक विधान परिषद का एक स्थापना किया गया जिसमें 12 सदस्य थे। एक पृथक विधान परिषद का गठन किया गया जिसमें सदस्यों की संख्या 12 थे। पहली बार विधान परिषद का गठन किया गया था। यह राजलेख भारतीय शासन के ब्रिटिशकालीन इतिहास का अंतिम चार्टर एक्ट था। यह राजलेख ब्रिटिशकालीन इतिहास के चार्टर का अंतिम एक्ट था। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858 आया जिसमें इससे पहले एक महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था 1857 का, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है और उसे सैनिक विद्रोह भी कहते हैं। इस विद्रोह के कारण इतनी हलचल हुए भारत में कि भारत का शासन इस 1858 एक्ट के तहत सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। इस 1858 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग को प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। यह नया पद एक नया पद का गठन किया गया जिसे राज्य सचिव कहते हैं। प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण की शक्ति राज्य सचिव को प्रदान किया गया। एक नया पद राज्य सचिव का गठन किया गया था। यह कैबिनेट सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। यह राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य होता था। यह राजकीय उद्घोषणा जो 1858 का जो उद्घोषणा हुआ था महारानी के द्वारा जो लिखित पत्र दिया गया था 1 नवंबर 1858 को कैंगनिंग ने इलाहाबाद में घोषित किया था। वायसराय ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। ये जो वायसराय था यह ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में भारत में कार्य करता था। निदेशक मंडल समाप्त कर पूर्ण अधिकार भारत सचिव को दिया गया। जो भारत सचिव का नियुक्त किया नया पद जो भारत सचिव था उसको नियुक्ति निदेशक मंडल को समाप्त करने के बदले में रखा गया था और ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। इसको पूर्ण अधिकार मिले हुए थे। अभी तक हमने महत्वपूर्ण 1833 का चार्टर एक्ट देखा, 1853 का चार्टर एक्ट देखा, 1858 का चार्टर एक्ट देखा, भारत शासन अधिनियम 1858 देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1919 का और 1935 का भारत परिषद अधिनियम देखेंगे। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।